हेलो, गुड इवनिंग गुड सर। इवनिंग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग। बड़े स्क्रीन डिस्प्ले हो रही है। यस सर। तो 2 मिनट वेट करते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं। मुझे ये बताइए, आप लोगों को मैंने एक वो डाली थी, डीपीपी डाली थी आपके, उसमें करना स्टार्ट किया यस उसको? कर सर। यस सर। लिया? कर बाकी दिया बच्चों ने करना स्टार्ट किया तो उसको धीरे धीरे? सर। नहीं, ठीक है, उसको धीरे धीरे करके फिनिश कर लेना, फिर किसी दिन उसके डाउट्स वगैरह ले लेंगे जो भी होंगे आप लोगों के। और अभी डिफ्रेंसिबिलिटी कर रहे हैं, तो डिफ्रेंसिबिलिटी ये तो आपको आइडिया हो ही गया होगा कि भाई लिमिट और कंटिन्यूटी अगर हमने कर ली है तो डिफ्रेंसिबिलिटी तो हो ही जानी है हमसे। छोटा सा चैप्टर है तो हो जाएगा जल्दी ख़त्म। उसके बाद आपका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव रहेगा, जिसमें मैक्सिमम मिनिमम रेट ऑफ चेंज ऑफ और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग अप्रोक्सीमेशन और मीन वैल्यू थ्योरम, रोल्स थ्योरम, ये सब रहेगा। तो इसको सचिन सर आएंगे, वो कराएंगे, और देखते हैं कब तक कराएंगे वो, एक आध चैप्टर करा लें। हाँ सर जो भी टेस्ट हुआ था सर बताओ। उसमें बहुत सारे आंसर्स उसमें आंसर्स दिक्कत मतलब क्या गलत थे आ आंसर? रही है। यस सर। हाँ यस सर। आंसर अच्छा, मैचिंग एरर लग रही है सर क्वेश्चन में। यस ओके, कब की बात है ये? लास्ट टेस्ट जो हुआ है सर कितने टाइम लेट? परसों हुआ है। परसों जो हुआ है, मैं एक बार उसको चेक कर लूँगा क्या एरर आया उसमें। कितने क्वेश्चंस में एरर लग रही है आपको? सर 5 में मेरे हिसाब से। पांच? पांच में? पच्चीस? यस यस 25 में से सर। 5 में एरर? यस ओके, एक काम करना, तुम मुझे मार्क करके भेज देना कौन कौन से हैं, मैं इसको क्रॉस चेक करा लूँगा, ठीक है मैं बेटा? टेलीग्राम पे भेज दूंगा आपको। हाँ, टेलीग्राम पे भेज देना। मुझे लगता है मुझे देखना पड़ेगा यार, मैंने कहाँ से वो टेस्ट बनाया था, कहाँ से ऐसा एरर हो सकती है। कोई नहीं, भेज देना, देख लेंगे उसको। तो करें स्टार्ट विद डिफरेंशिएबिलिटी। ओके, चलो मुझे बताओ डिफरेंसिबिलिटी होती क्या है। जिसको भी पता हो, जो भी पता हो थोड़ा बहुत, वो मुझे बता देना, जरूरी नहीं है कि सब कुछ पता हो। सर एक तो फंक्शन कंटिन्यूस होना चाहिए और शार्प ओके ओके, एज नहीं होना चाहिए। शार्प पॉइंट नहीं होना चाहिए। सर कुछ और पता है उसके बारे में? कुछ और बेटा? हेलो, दो पॉइंट होते हैं। ये 2 पॉइंट होते हैं। अच्छा, तो मैथमेटिकली अगर मैं बात करूं डिफरेंसिबिलिटी की, या मैं इन जनरल अगर बात करता हूं डिफरेंसिबिलिटी की, या डेरिवेबिलिटी भी बोलते हैं इसको कई बार, कई जगह पे लिखा होता है, कई जगह पे नहीं लिखा होता है। तो इन सिंपल अगर मैं बात करूं तो डिफरेंसिबिलिटी, एबिलिटी, एबिलिटी का मतलब क्या होता है? एबिलिटी का मतलब होता है किसी काम को करने की एबिलिटी, उसी तरीके से डिफरेंशिएट होने की एबिलिटी, तो ये डिफरेंशिएबिलिटी होता है, ठीक है? तो हमने इन जनरल पढ़ा था। जनरल क्या था कि भाई कोई ग्राफ या फिर बिना पेन उठाए कोई कर्व बने, और वो कर्व जो है कैसे बने बिना पेन उठाए, हमने पढ़ा था ना, याद करो आप लोग। यस सर। भाई अगर मैं ये बनाता हूँ, ये बनाता हूँ, तो आप कहोगे ये क्या है, कॉन्टिन्यूस है। लेकिन अगर मैं बनाऊं ये इस तरीके से, अब बताओ क्या ये कंटिन्यूअस है? यस है। लेकिन अगर मैं पूछूं क्या ये डिफरेंशिएबल है, तो आप कहोगे नहीं, इस वाले पे डिफरेंशिएबल मना कर दोगे ना आप लोग मुझे। क्यों? क्योंकि सार पेजेस आ रहे हैं। तो ये तो जो, ये जो मैंने लिखा है यहाँ पे, ये जो बनाया है, ये लेमन लैंग्वेज है, मतलब बिल्कुल देसी भाषा में, बिल्कुल सिंपल बात में अगर किसी को समझाना हो तो मैं इस तरीके से समझा दूंगा। लेकिन टेक्निकली हमें ये चीजें चलनी चाहिए। तो टेक्निकली अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि डिफरेंसिबिलिटी क्या होती है, तो आप मुझे बता सकते हो टेक्निकली? बताओ तो देख लो टेक्निकली क्या होता है, सामने लिखा हुआ है। टेक्निकली बेटा ये जो होती है,
ये यूनिक टेंजेंसी होती है। क्या होती है बेटा? ये यूनिक टेंजेंसी। ये ग्राफ की बात, लाइन की बात, लाइन ड्रॉ करना बिना पेन उठाए करना, ये सब तो एक छोटी सी बातें थी, लेकिन अगर मैं एक्चुअली टेक्निकल बात करूं, मैथमेटिकली बात करूं, तो इट इज अबाउट यूनिक टेंजेंसी। यूनिक टेंजेंसी का मतलब होता है किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से। टेंजेंट बेटा समझते हो सब लोग? यस सर। मान लीजिए कि ये सर्कल है और इस सर्कल को छूता हुआ एक लाइन जाती है, बन भी नहीं रही है। इस सर्कल को छूती हुई एक लाइन जाएगी कोई, मान लीजिए यहां से निकल गई, समझ जाइएगा टच करके जा रही है, ठीक है, सिर्फ टच करके जा रही है। तो इसको एक बार फिर ट्राई करते हैं, ये छू के लाइन चली गई। तो जो लाइन सिर्फ एक पॉइंट पर, सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पर टच करके जाएगी, उसे हम टेंजेंट कहते हैं। तो ये टेंजेंट जरूरी नहीं है सर्कल पर हो, ये किसी भी कर्व पर हो सकता है। तो जब कोई कर्व या कोई इक्वेशन, कोई फंक्शन सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पर टच करते हुए निकल जाए, तो उसको हम टेंजेंसी कहते हैं, यानी यूनिक टेंजेंसी। लेकिन अगर मैंने कहा कि इसी पॉइंट से दो टेंजेंट बन सकती हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ? बोलो बोलो बेटा, तुम लोग बोलोगे नहीं तो काम कैसे चलेगा? से 1.2 टाइम एक पॉइंट से दो टेंजेंट नहीं हो सकती, राइट? लेकिन अगर दो टेंजेंट आपको दिखाई दे रही हैं कहीं से होते हुए, इसका मतलब ये है कि हो सकता है आपको दिख रहा हो कि वो एक पॉइंट से जा रही हैं, लेकिन एक्चुअल में वो एक पॉइंट से नहीं जा रही हैं, वहां पर कुछ और लोचा है। तो इतनी बात अपने माइंड में क्लियर रखना। तो क्या है ये देखिए, एक कर्व है और उस कर्व पर एक्स इक्वल टू ए पर एक लाइन टच करके जा रही है। ये क्या है? टेंजेंट है। ये आपकी हो गई टेंजेंट। तो अगर ये सिर्फ एक पॉइंट पर टच हो रही है, तो इसका मतलब ये फंक्शन जो है, ये जो कर्व जो होगा, ये डिफरेंशिएबल होगा और डिफरेंसिबिलिटी इस पॉइंट पर फिगर आउट हो जाएगी, इस वाले पॉइंट पर। लेकिन अगर मैं आपको फोटो कुछ ऐसी दिखा दूं, तो ये क्या हो गया सर? मतलब फोटो कैसी आई? फोटो ऐसी है कि इस तरीके से एक कर्व है, इस तरीके से और इस तरीके से एक कर्व है। समझ गया बात को? कि किसकी किसका ग्राफ है, किसका ग्राफ है, कुछ आइडिया? सर ये मॉड अंडर मॉड अंडर रूट एक्स का। अब मैं यहां पर जब ग्राफ बनाऊंगा, यानी यहां पर टेंजेंट डालूंगा, तो क्या होगा कि यहां से जब टच करके जाएगी तो ऐसे जाएगी और ऐसे जाएगी, तो क्या होगा? आप देख रहे हैं कि मुझे दिखने में लुक एंड फील ऐसा आ रहा है, कई सारे पॉइंट पर टच कर रही है, या एटलीस्ट दो पॉइंट पर तो टच कर ही रही है। तो अगर दो पॉइंट पर टच करनी, नहीं, इस वाले में टू पॉइंट्स पर टच करता हुआ नजर आता है, यानी मोर देन वन पॉइंट, तो भैया वो सीधी सी बात है कि वो नॉन डिफरेंशिएबल हो गया। यानी कि इन शॉर्ट में ये कह सकता हूं कि ओनली वन पॉइंट पर अगर टेंजेंसी है, ओनली वन पॉइंट टेंजेंसी, तो इसका मतलब वो डिफरेंशिएबल होगा। ये बड़ी सिंपल बात जो मैंने कही आज वो हो गई। लेकिन आगे की तरफ बढ़ते, देखो पिछला चैप्टर कॉन्टिन्यूटी कुछ बच्चों के लिए बड़ा अजीब सा रहा होगा, अरे ये क्या हो गया? कुछ बच्चों को समझ आया होगा, कुछ बच्चों को थोड़ा सा हल्का फुल्का कहीं दिक्कत आई हुई क्वेश्चन में। तो वो दिक्कत इसलिए आती है कि आप लोग कम्युनिकेट नहीं करते, तो यू हैव टू कम्युनिकेट इस चैप्टर में, कम्युनिकेट करो ताकि वो भी कवर हो जाए साथ में, ठीक है? तो ये जो स्पेशली लड़कियां हैं, बिल्कुल चुप रहती हैं, बोलती नहीं है, तो आपको बोलना चाहिए, और जो लड़के हैं बिल्कुल चुप रहते हैं, इनको भी बोलना चाहिए, ठीक है? मैं अगला पॉइंट कर रहा हूँ और आप लोगों को डिस्कस करना है मुझसे आज सारी चीजें। तो ये टू पॉइंट नॉन टेंजेंस डिफरेंशिएट मान लिया। अब डीवाई ओवर डीएक्स होता क्या है? तो डीवाई स्लोप। ओवर स्लोप होता है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट। इसी को पढ़े लिखे लोग, आपने 11th में पढ़ा होगा, एम इक्वल टू टेन थीटा कहते हैं, करेक्ट? और इसी को तुम इसी को आप लोगों को याद होगा शायद, ये भी कह देते हैं वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, याद है आप लोगों को? तो ये सारा क्या है? स्लोप। अच्छा ठीक है, अगर मैं इसे स्लोप को प्रेजेंट करने की कोशिश करूं, दिखाने की कोशिश करूं, तो वो कुछ ऐसा होगा, राइट? एक्स एक्सिस पर वो लाइन जो, यानी टेंजेंट जहां पर कट करती है, वो थीटा होता है। अब हो सकता था कि ये टेंजेंट जो है इधर की तरफ से होती, यानी कैसे होती?
मान लीजिए कर्व आपका कुछ ऐसे होता, इस तरीके से कर्व होता, तो ये टेंजेंट आपकी कुछ ऐसे जा रही होती इस तरीके से, तो आप कहां पर थीटा कंसीडर करते? तब आप थीटा कंसीडर करते ये वाला। क्यों? क्योंकि आप थीटा हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कंसीडर करोगे। ऐसा नहीं है कि हम आप इधर से करना कर दें स्टार्ट, इधर से करोगे तो आप नेगेटिव लोगे उसको। क्लियर है ये बात? ओके, मुझे एक छोटी सी बात और बता दो कि ये जो लाइन है ये ऐसे गई, एम इक्वल टू 10 थीटा, एक लाइन है ये इस तरीके से गई इस तरीके से, और ये जो एंगल है ये पाई बाई 4 है, तो मुझे जरा एम बता देना कितना आएगा। वन आएगा, यानी एम हो गया यहां से 1, क्योंकि 10 पाई बाई 4 दैट इज इक्वल टू 1। लेकिन अगर ये लाइन ऐसी निकल जाती तो कितना होता? -1 -1 -1 होता, राइट? यहां से ले लिया आपने -5/4, या इधर से भी बढ़ा के आप ले सकते हो, लेकिन आपको मालूम है कि आपकी कहीं से भी लो बात वही है, एंगल का प्ले करना, एंगल के साथ प्ले करना तो आपको आता ही होगा। लेकिन बात यहीं पे खत्म नहीं होती, मैं आपसे बात दोबारा से स्टार्ट करता हूँ। ये टेंजेंट होते क्या है यार? एक तो आपने ये बता दिया कि टेंजेंट एक पॉइंट पर टच करते हुए, जिस लाइन कोई लाइन किसी कर्व पर टच करते हुए निकल जाए वो टेंजेंट होती है। क्या एक्चुअली वही टेंजेंट होती है? यही बोलूं मैं या कुछ और बोलूं? बताओ बच्चों, क्या टेंजेंट यही बात बोलूं कि भैया किसी कर्व पर एक पॉइंट पर टच करती हुई कोई लाइन टेंजेंट होती है, या इसको मैं किसी और तरीके से भी बोल सकता हूं? सोमिल, एनी आइडिया? सर यही होता है कि एक पॉइंट वो टच करता है तो अच्छा, अवजार, सेम। दिव्यांशी, राजू, यस यही होता है सेम? और कोई बच्चा बताओ, किसी को थोड़ा आइडिया हो। अच्छा चलो, मुझे ये बताओ, क्या आपने सेकंड का नाम सुना है? यस सर सेकंड से इसका कोई रिलेशन होता है? सर, जब दो दो सेकंड्स का पॉइंट होता है तो बहुत पास आ जाता है तो उस पॉइंट पे टेंजेंट बन जाते हैं। एग्जैक्टली मैं यही तो जानना चाह रहा था आप लोगों से, मैं यही तो जानना चाह रहा था। तो टेंजेंट इज व्हाट? इट्स अ लिमिटिंग केस ऑफ सेकंड। समझे आप बात को? है ना, ये लिमिटिंग केस है सेकंड सेकंड का, राइट? तो मैं वही वही दिखाता हूं। देखिए, टेंजेंट इज व्हाट? इट्स अ लिमिटिंग केस ऑफ सेकंड। ये इसका लिमिटिंग केस है। अच्छा सर, लिमिटिंग केस है। मैंने कहा हाँ, कैसे? मैंने ऐसे ग्राफ देखिए, एक कर्व था, मैं कर्व को दोबारा से आपके सामने बनाने की कोशिश करूंगा कि ये आपका कर्व हो गया इस तरीके से, और इस कर्व को इस तरीके से कोई लाइन कट करके निकल गई, तो ये तो सेकंड बन गया। लेकिन हमने क्या किया, इसमें लिमिटेशंस लगाई, हमने लिमिटिंग केस बनाया। तो मान लीजिए कि ये आपका ए है और ये आपका बी है और ये आपका सी है। आपने क्या किया, इसको थोड़ा नीचे ड्रैग किया, तो ये बी पॉइंट खिसक के यहाँ आ गया, बी डैश हो गया होगा। इसको भी ड्रैग किया होगा तो ये सी पॉइंट खिसक के यहाँ आ गया होगा, सी डैश हो गया होगा। और छोटा करता गया, और छोटा करता गया, और छोटा करता गया, तो मैं बिल्कुल इस लाइन पे, स्ट्रेट लाइन पर जाके फैल गया। और जब मैं स्ट्रेट लाइन पर फैला तो इस पॉइंट पे मैं चेक कर रहा था, इससे इधर वाला आपका राइट हैंड टेंजेंट, राइट हैंड स्लोप ऑफ टेंजेंट हो गया, इससे इधर वाला लेफ्ट हैंड स्लोप ऑफ टेंजेंट हो गया। क्या ये बात क्लियर है? सर ओके, चलो अब इसी बात को ना थोड़ा और बढ़ाते हैं, आगे बढ़ाते हैं, और आप समझने की कोशिश करना। क्या मैं इस बात को ऐसे लिख दूं, लेफ्ट हैंड dy अपॉन dx इक्वल, क्यों बराबर होगा ये बात तो आपको मालूम है, और राइट हैंड dy ओवर dx, क्या ऐसा लिख दूं मैं इस बात को? सर अच्छा, तो अगर मैंने ये बात लिख दी तो क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं? सोच के बताना थोड़ा सा मुझे।
क्या लिख सकता हूँ इसको ऐसा? यस सर यस। ओके, मतलब आप ऐसा भी लिखने को तैयार हो। तो अगर ऐसा लिख सकते हो तो क्या आप इसको ये लिखने को तैयार हो? यस। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। तो जो आपकी डिफरेंसिबिलिटी होती है ना, ऐसे होती है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, दोनों एक पर्टिकुलर पॉइंट पर, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं और इसी पॉइंट को मैं दोबारा दिखाता हूं आप लोगों को। तो लिमिटिंग केस हो गया। अब मैंने क्या किया भाई, ये वाला पॉइंट मेरा एक्स इक्वल टू ए था, एक्स इक्वल टू ए था, इससे आगे वाला पॉइंट थोड़ा सा बड़ा होगा तो वो ए प्लस एच होगा, इससे पीछे वाला पॉइंट थोड़ा सा छोटा होगा तो ए माइनस एच होगा। अब ये मत देखिएगा कि ये पॉइंट मैंने इतनी दूर बना रखे हैं भाई, वो तो मेरी मजबूरी है क्योंकि ग्राफ पर प्लॉट कर रहा हूं मैं, तो मुझे वहां बनाना पड़ेगा। लेकिन आप समझिए कि बहुत बिल्कुल नजदीक है इसके, बिल्कुल नियर नियर अबाउट है बिल्कुल। तो अगर ये a माइनस एच है, ये a है और ये a प्लस एच है, तो ये x की वैल्यू है। लेकिन जब मैं फंक्शन में डालूंगा, जब ये a प्लस एच, तो क्या आएगा? f ऑफ a प्लस एच आ जाएगा, राइट? यस। और अगर मैं a डालूंगा तो क्या आ जाएगा? f ऑफ a आ जाएगा। और अगर मैं a माइनस एच डालूंगा तो क्या आ जाएगा? f ऑफ a माइनस एच आ जाएगा। क्या ये बातें क्लियर है बच्चों? यस। ओके, तो अगर ये बातें क्लियर हैं तो बहुत अच्छी बात है, इसी से सब कुछ होने वाला है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और मैं वापस से आपको वही चीज दिखाता हूं, एक बार उसके दर्शन कराता हूं। तो मैंने कहा, मैंने अभी अभी कहीं पर लिखा कि एल एच डी इक्वल टू आर एच डी, और इसी को मैंने लिखा था कुछ ऐसा, वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन इक्वल टू आर एच वाई थ्री माइनस वाई वन अपॉन में एक्स टू माइनस एक्स वन, एक्स थ्री माइनस एक्स वन। अब जरा इस जो ये ग्राफ बन के आया है, ये जो फोटो बन के आई है, मैं इस फोटो को दोबारा बना रहा हूं आप लोगों के सामने। ये वाला कब आया होगा? जब आपने a माइनस एच डाला होगा। ये वाला कब आया होगा? जब आपने a प्लस एच डाला होगा। और ये डालने पर क्या आ गया होगा? f ऑफ a आ गया होगा। अच्छा ठीक है भाई, हमने ये बात मान ली। अगर मैं इन दोनों पॉइंट का स्लोप निकालूं तो क्या आएगा? और इस पॉइंट का और इस पॉइंट का स्लोप निकालूं, आप लोगों को आता है स्लोप निकालना? Yes, sir. कोई ये मत कहना कि नहीं आता है। ये a है, दैट इज x2 एक्स वन वाई वन, और ये आपका हो गया b, दैट इज x2 और y2। स्लोप निकालना हो तो m इक्वल टू क्या होता है? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक, अब मुझे यहाँ भी निकालना है, इस लाइन का भी निकालना है और इस लाइन का भी निकालना है, जो कि मैंने यहाँ पे लिख दिया है। क्या मैं इसी बात को, जो ये अब यहाँ पर जो कंडीशन है, उसके जैसा बना सकता हूँ? उसके जैसा मतलब कि एक तो ये लिमिटिंग केस है, एक बात क्लियर है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे लिमिट लगा दिया। लिमिट क्या लगा दिया? h टेंड्स टू जीरो, और मैंने इसको लिख दिया f ऑफ a माइनस एच, यानी कि y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1, यानी कि a। क्या ये बात क्लियर है सबको? यस सर। यस। किसको क्लियर नहीं है बेटा? क्लियर है, वो एक बच्ची है ना, कोई है, कोई जिसको क्लियर नहीं है? पीछे से आ रही थी आवाज इसका मुझे। तो अगर इस केस में ये है, तो ये तो हो गया लेफ्ट हैंड वाला। राइट हैंड वाले में चेक किया हमने, तो वो क्या हो जाएगा? लिमिट h टेंड्स टू जीरो, दैट इज f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a, और अपॉन में क्या आ जाएगा? a प्लस h माइनस ए, वही वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन। अब तीन पॉइंट दे रखे हो, तीन पॉइंट के हिसाब से हमने लिख लिया। क्या क्लियर है ये बात? अगर ये बात क्लियर है तो दोस्त एक बात बताओ, एच टेंड्स टू जीरो, दैट इज एफ ऑफ ए माइनस एच
दैट इज एफ ऑफ ए, यहां पर कितना बचा तो आप कहोगे माइनस एच, और अगर मैं कहूं यहां पर कितना बचा तो आप कहोगे सर यहां पर तो एच ही बचा सिर्फ। क्या क्लियर है ये बात? तो ये जो रिजल्ट आया है ना, ये जो रिजल्ट है ये ही कंप्लीटली जान है किसकी, डिफरेंसिबिलिटी। क्लियर है बच्चों? Yes, चलो फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं और कुछ ढिंचैक बातें करते हैं इस पे ताकि आपको और ज्यादा क्लियर हो। ये बातें मैंने सीधी यहाँ पे लिखी हुई भी हैं और मैंने आपको ड्राइव भी करा दिया है, ठीक है? तो रब कर दूं क्या मैंने ड्राइव कराया है या फिर लिखा रहने दूं? मिठाई दीजिए, ऐसे कुछ भी नहीं। हाँ मिठाई दे रहा हूँ मैं। जितना मैंने लिखा बिल्कुल एक एक स्टेप उतना ही स्टेप यहाँ पे लिखे हुए हैं क्योंकि मैंने खुद ही लिखवाए हैं ये, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। एनी फंक्शन इज डिफरेंशिएट एट एक्स इक्वल टू ए व्हेन एल एच डी इक्वल टू आर एच डी। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है आपको, मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ वापस से कि इसको एक और कंडीशन में लिख सकते हैं, और वो कंडीशन कुछ ऐसी है, दैट इज वॉट कि इसको f ऑफ माइनस a लिखा जा सकता है f डैश, और इसको आप ये भी लिख सकते हो dy अपॉन dx वेयर x इक्वल टू a माइनस, राइट? लिख सकते हैं बेटे? यस सर। क्या इसको लिख सकते हैं RHD को ऐसा? यस। क्लियर है बच्चों? ठीक है चलो फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये वाली बात कर ली। अच्छा आप लोगों ने डिफरेंशियल कोफिशिएंट का नाम सुना है? डिफरेंशियल कोफिशिएंट, हाँ सिंपल, ये रहा dy ओवर dx एट x इक्वल टू a इज अ डिफरेंशियल कोफिशिएंट। अब इसी बात को अगर मुझे दूसरे तरीके से लिखना हो, कहां पे कह रहे हैं वो x इक्वल टू a पर कह रहे हैं, तो इसी बात को मैं ऐसे लिख दूं तो भी वही बात है, यानी जो ये लिखा है तभी यही बात है, और इसी बात को मैं अगर ऐसे लिख दूं तब भी वही बात है, और इसी बात को मैं ऐसे लिख दूं तब भी वही बात है, यानी एक ही चीज को अलग अलग तरीके से लिखना है, बाकी डिफरेंट कुछ नहीं है, सेम ही है वो। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। तो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट का आइडिया आपको है, क्वेश्चन लिखा हुआ है उधर एफ डैश टू, क्या लिखा हुआ बेटा? एफ डैश टू प्लस निकालना है। अभी टू प्लस का मतलब क्या है? तो टू प्लस का मतलब बताने से पहले मैं आपको कुछ और बता देता हूँ। भाई अगर एल एच डी बराबर आ गया आर एच डी के तो वो एग्जिस्ट कर जाएगा, ये बात क्लियर है? एफ डैश ए इक्वल टू लिमिट ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ए, और ए माइनस एच, ये सारा कॉन्सेप्ट हम बात कर ही चुके हैं यहाँ पर। थोड़ा सा अगर मैं इसको आगे बढ़ा दूं, ए प्लस की बात करूं तो आप ए डाल दोगे वहां पर, इसके अलावा तो कुछ होगा नहीं। लेकिन अगर कोई मुझसे कहे क्या मुझे बताना आप लोग क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं या नहीं, आप लोग एग्री करोगे तो मैं मानूंगा वरना नहीं मानूंगा, ठीक है? f of x minus f of a upon में x minus a, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं या नहीं? यस और नो में आंसर देना मुझे। यस सर। लिख सकते हैं? यस सर। लिख सकते हैं, क्यों लिख सकते हैं ऐसा? स्लोप स्लोप है वैसे। हाँ ये स्लोप है और कुछ थोड़ी है, ठीक है? और जिन लोगों को अभी भी समझ नहीं आया तो मैं अगले स्टेप को जब मैं चलूंगा तो आपको समझ आ जाएगा। देखिए जैसे मैं a यहां पर डालूंगा, जैसे मैं a यहां पर डालूंगा क्योंकि f डैश a है ना, जैसे मैं a डालूंगा ये कौन सी फॉर्म आ जाएगी? 0/0। क्या ये बात क्लियर है सबको? यस सर। ओके कुणाल क्या क्लियर है ये बात? यस सर। श्रेया सक्षम? सक्षम यस सर। साहिल? साहिल
रजत, मानस मैसेज किया है। चलो तो अगर ये बात क्लियर है तो इसका मतलब 0x0 फॉर्म है, और 0x0 फॉर्म है इसको बचाने का क्या तरीका होता था आपने लिमिट में सीखा है, याद है ये वाला मेथड यस होता था। और अगर ये मेथड है तो इसका मतलब ये एफ डैश ए मुझे ऐसा कुछ हो जाना चाहिए, ऊपर वाले का डेरिवेटिव -0 कांस्टेंट टर्म है, ये एक्स का 1 इसका 0, क्या आ गया एफ डैश एक्स आ गया। और जैसे आपने ए रखा तो आपको क्लियर है कि एफ डैश ए बराबर एफ डैश ए आ गया। इसका मतलब जो ये लिखा हुआ था पीछे इसको ऐसा मैं लिख सकता हूं, इसका मतलब तो ये हुआ ना, क्लियर यस है बच्चों? यस ओके चलो तो आगे बढ़ते हैं। अब एक एग्जाम्पल पड़ा हुआ है सामने, एग्जाम्पल एफ डैश 2+, ये हमें बताना है। तो क्या कर पाओगे आप लोग इसको या नहीं कर पाओगे, बताओ कर पाओगे नहीं कर पाओगे? वैसे है ही क्या इसमें करने जैसा, इसमें करना क्या है? आपको एफ डैश 2+ पे निकालना है, निकालना फंक्शन है क्या, बस यही है जो कुछ है। मैंने तो आपको एक्स की फॉर्म में लिख के दिखाया था, वैसे लिख देना है इसको। निकालने का मतलब भाई कुछ नहीं है, ये एफ डैश 2+ लिखा हुआ है इसको लिख देना है, जैसे F2+H-F2 बस बस इतना लिखना है और कुछ अपॉन नहीं था, एच ये बस इतना था। क्लियर है? चलो अब क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूं और वेरी फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रखता हूं और देखते हैं आप लोग कितना पकड़ पाते हो इसको। क्वेश्चन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस पी फाई एक्स एंड फाई एक्स, ये जो फाई आपको अलग अलग दिख रहा है दोनों फाई है, सेम ही साइन है ये, फाई एक्स है। एक ही है ये, ठीक है। फाई एक्स इक्वल टू कॉन्टिन्यूस फंक्शन, देन एफ डैश पी प्लस निकालना है। क्या निकालना है? एफ डैश पी प्लस। और ये भाई साहब आए कहां पर थे, ये यहां पर आए थे इस जगह पर। तो बताओ क्या करूं सबसे पहला काम। तो उन्होंने कहा कि भाई एफ डैश पी प्लस निकालना है, तो आप प्लस का मतलब समझ जाइए क्या, राइट हैंड डेरिवेटिव। क्या ये बात क्लियर है सबको? और अगर राइट हैंड डेरिवेटिव की दोस्त बात करूं तो वो क्या होता है, वो होता है लिमिट एच टेंस टू जीरो। अब देखिए हो सकता है आप में से कुछ बच्चों को अभी लिखना नहीं आया हो, अब यहां पर देख लीजिए मैं लिख के दिखा रहा हूं। यहां पर होता है आपका ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन ऑफ एच, राइट हैंड है तो प्लस का, लेफ्ट हैंड होता तो माइनस का। अब मैं इसके लिए लिख रहा हूं ये पी प्लस के लिए, तो लिमिट एच टेंड्स जीरो। अब यहां पे फंक्शन क्या है, ये वाला फंक्शन है, ये फंक्शन है, तो फंक्शन में डालते हैं हम ए प्लस एच, ए प्लस मतलब पी प्लस एच। तो फंक्शन में जब मैंने पी प्लस एच डाला, यानी कि एक्स की जगह पर जब मैंने पी प्लस एच डाला और माइनस पी था ही, और फाई यहां पर भी मैंने पी प्लस एच डाला, राइट, माइनस अब आप पी डालोगे सिर्फ किसमें, फंक्शन में, फंक्शन कौन सा ये। तो आपने जब पी डाला एक्स की जगह पर तो कुछ ऐसा दिखने लगा, कुछ ऐसा। क्या ये बात क्लियर है सबको? चलो एक बार मुझे बता दो, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं किसी को, एक भी बच्चे को नहीं होनी चाहिए, राइट। चलो आगे बढ़ता हूं फिर मैं इसको। साफ साफ दिखाई दे रहा है कि सर अगर ऐसा लिखा हुआ है तो पी से पी का अंतिम संस्कार हो गया, एच मॉड बचा, और एच मॉड जो है एच ही होता है, राइट। और यहां पे बचा फाइव, दैट इज पी प्लस एच, और ये वाली पार्टी हो गई आपकी 0/h। समझदार लोग कहेंगे कि एच से एच का अंतिम संस्कार हो गया, क्या बचा, ये आपका बचा लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, दैट इज व्हाट, दैट इज फाइव पी प्लस एच। और जैसे आप एच इसमें डालोगे क्या हो जाएगा, ये फाइव ऑफ पी हो जाएगा। क्या क्लियर है सबको? अच्छा यस ठीक है, चलो क्लियर मान लेते हैं। तो एक क्वेश्चन हमें आइडिया लग गया कि किस तरीके से फंक्शन में प्लेस करते हैं, यस ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं।
एट एक्स इक्वल टू ए एल एच डी आर एच डी, ये बात आपको क्लियर है। इसी बात को मैं दोबारा से लिखूं तो कुछ ऐसा लिख सकता हूं, इसी बात को मैं थोड़ा और ठीक से लिखूं तो ऐसा लिख सकता हूं कि ए माइनस के लिए है तो लेफ्ट हैंड लिमिट लोगे, बराबर में राइट हैंड लिमिट लोगे, क्लियर है। अगर सिर्फ ए के लिए लिखोगे तो सिर्फ इतना लिख दोगे, ठीक है। चलो ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। अब अगर मैं इसी चीज को y के लिए लिखना चाहता हूं, y इक्वल टू x के लिए, तब क्या होगा? ये सेम कर देंगे, बस जो a है उसकी जगह x कर देंगे। हाँ शाबाश, तो ये हो गया, लो खत्म। ये x नीचे है, ये ऊपर नहीं है, ये यहां पर है। तो f डैश x इक्वल टू f x प्लस h हो जाएगा, माइनस f x हो जाएगा और h हो जाएगा, क्योंकि अभी तक आप देख रहे थे जब यहाँ पे a दिया था तो आप a प्लस एच कर रहे थे, माइनस एफ ए कर रहे थे। तो अब यहाँ पे x दे दिया तो आप क्या कर दोगे, x प्लस एच कर दोगे, माइनस एफ एक्स कर दोगे, अपॉन मैच कर दोगे। क्लियर बच्चों? क्लियर yes. दिव्यांशी क्लियर? यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन लेते हैं एक और। क्वेश्चन में कहा कि फाइंड लिमिट यानी कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट एक्स इक्वल टू पी वेयर पी बिलोंग्स टू इंटीजर फॉर एफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स साइन पाई एक्स, और इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा ये आपको बताना है। तो मैं आपके सामने सिर्फ इतना लिख रहा हूं, बाकी आप लोग देखिए, कोई बच्चा इसको ट्राई करना चाहता है तो ट्राई कीजिए, दो मिनट का टाइम दूंगा देन मैं स्टार्ट करूंगा। मैं सिर्फ इतना लिखना चाहता हूँ तो आप लोग बताना कौन सा इसमें से आंसर होगा। शुरू हो जाओ बेसिक नॉलेज के साथ। किसी को रास्ता मिला बेटा इसको करने का अब तक? यस सर, हो जाएगा। हाँ करो जल्दी से, क्योंकि मुझे इस क्वेश्चन को सॉल्व तो कराना है, कुछ चीजें पॉइंट बताने हैं मुझे यहाँ जो आपको काम आएंगे आगे। मुझे ये बता दो जिन जिन का हो जाएगा वो आंसर कौन सा आएगा। हुआ किसी का बेटा? इसमें साइन के इंडिपेंडेंट नहीं आ रहा। साइन के इंडिपेंडेंट नहीं आ रहा, साइन के इंडिपेंडेंट आना चाहिए बेटा। ये क्वेश्चन में ही छुपा हुआ कहीं पर, देखो साइन के इंडिपेंडेंट ही निकलेगा ये। क्वेश्चन को रीड करो दोबारा से, अगर आपने क्वेश्चन ढंग से रीड कर लिया तो एक झटके में साइन के इंडिपेंडेंट आ जाएगा ये।
क्वेश्चन आईआईटी का है। सौमिल ने एक दिन मुझसे क्वेश्चन पूछा कि साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर हो, तो सर वो दो पॉइंट पर उसका ग्राफ जो है कट कर रहा होता है, मतलब साथ दे रहा होता है दो पॉइंट पर, वो होता है डिसकंटिन्यूस। तो सर जब मैं इसका डेरिवेटिव करने जा रहा हूँ तो ऐसा हो नहीं रहा, डिफ्रेंशिएट तो हो जा रहा है, एक दिन कहा था सौमिल ने। यस सर। तो सौमिल के क्वेश्चन का आंसर एक बार तो ये था कि भाई वो उसको तोड़ तोड़े ग्राफ बना ले, तीन पार्ट्स में ग्राफ बना ले, जो कि बड़ा कठिन काम है, वो नहीं हो सकता। तो मैंने कहा स्वामिल को मैं कैसे समझाऊं इस बात को, तो मैंने फिर एक तरीका सोचा कि मैं वो स्वामिल को बताऊंगा और मामला सेट हो जाएगा। तो मैं वो स्वामिल को आगे जाके बताऊंगा कहीं पर कि क्या तरीका है। वो हुआ किसी से? नहीं हुआ, चलो कोई बात नहीं भाई। इन्होंने क्या बोला है? इन्होंने बोला है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, इसके अलावा तो कोई बात नहीं कही इन्होंने। इन्होंने बड़ी सिंपल सी बात की, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव से मुझे एक बात समझ जानी चाहिए कि वो बात कर रहे हैं एक्स इक्वल टू पी माइनस की, इसी की बात कर रहे हैं। किसकी? पी माइनस की, इसकी बात कर रहे हैं। चलिए ठीक है भाई, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का इस्तेमाल करते हैं। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हम लोग कुछ इस तरीके से निकालते थे, पी माइनस एफ ऑफ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी माइनस एच और माइनस पी अपॉन ऑफ माइनस एच हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? अब मैं इसी बात को फंक्शन में जब प्लेस कर दूंगा तो यहाँ पर हो जाएगा पी माइनस एच और यहाँ हो जाएगा साइन पाई और पी माइनस एच अपॉन ऑफ माइनस एच। एक स्टेप और आगे बढ़ूं तो, या नहीं भी बढ़ रहा हूं, यहाँ पे एक हिस्सा रह गया लिखने को, हाँ एक टर्म और आएगी। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका p और यहाँ पर आ जाएगा साइन पाई h, राइट p। क्लियर है बच्चों यहाँ तक तो? यहाँ तक तो किसी को दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं और दिक्कत को थोड़ा बड़ा करते हैं। अब मुझे तुम लोगों से कुछ छोटी छोटी सी बात करनी है, क्या इसने कहीं पर p belongs to integer लिखा है? Yes. Yes, sir. तो अगर p belongs to integer लिखा हुआ है, क्या इसका मतलब p equal to i equal to n होता है या नहीं होता? Yes. होता है। अच्छा, मैंने एक नंबर लाइन बनाई और नंबर लाइन बना के मैंने कहा कि यहाँ पर कहीं वो पी पॉइंट है जिसके लिए मुझे पी माइनस एच की कहानी बतानी है। क्या पी माइनस एच इससे पहले होगा या बाद में होगा? मुझे सिर्फ आपको इतना मालूम है, पी प्लस वन यहाँ कहीं होगा, पी यहाँ पर होगा और पी माइनस वन यहाँ कहीं होगा, ये बात तो मालूम है ना? यस सर, इसका पी माइनस वन आएगा। अच्छा, तो पी माइनस एच क्या होगा? तो इस टर्म की जगह मैं क्या लिख दूं? P-1 लिख दूं। ठीक है, मैंने क्या किया यहाँ पर लिख दिया P-1 और अभी बात यहीं पे खत्म नहीं हुई। ये हो गया आपका पाई, अंदर मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि अपने पाई P माइनस पाई एच, राइट यही हो गया। और आपका ये वाला है भाई ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन P है, इसका क्या करूं? ये P लिखा रहने देता हूँ अभी मैं, और ये साइन पाई पी। अब मैं आपको एक और चीज दिखाने वाला हूँ, उससे आपको आइडिया लग। किसने बोला ये, दोबारा बोलो किसने बोला ये कि साइन जीरो हो जाएगा? दिव्यांशी। तो दिव्यांशी ने जो बोला वो बिल्कुल सही बोला, क्योंकि यही इसीलिए तो मैंने ये बताया था, वरना क्यों बताता? क्योंकि आपको मालूम है साइन का ग्राफ ऐसे ऐसे होता है, तो पाई टू पाई थ्री पाई फोर पाई एन पाई सब पर मामला जीरो होता है, और अगर ये जीरो हो गया तो ये भी सारा
जीरो हो गया। क्या ये बात समझ में आई? यस यस। ये पूरी टर्म क्या हो गई? ये जीरो हो गई, राइट। अब जो बचा उसको लिख रहा हूं मैं, लिमिट लगी हुई है यहां पर, ठीक है। लिमिट दैट इज व्हाट, यहां लिमिट लगाना ही भूल गया मैं। एच टेंड्स टू पी जीरो, एच टेंड्स टू जीरो। तो आगे बढ़ते हैं, अब एक स्टेप और आगे चलते हैं। अब मेरे पास बचा क्या है यार, मुझे सिर्फ इतना जानना है। तो मेरे पास बचा दैट इज साइन पाई पी माइनस पाई एच। किसी को इस बात से कोई आपत्ति? तो उम्मीद करता हूं किसी को नहीं होगी। तो क्या ये जो p माइनस वन है ये कांस्टेंट जैसा दिखाई दे रहा है आपको क्या? Yes. मुझे ही दिख रहा है, सबको दिख रहा है? अरे Yes. बोलो। अच्छा ठीक है, ओके। आपने कहीं पर साइन a माइनस बी का फॉर्मूला पढ़ा है क्या? Yes, sir. Yes, sir. साइन, अच्छा पढ़ा है। साइन a माइनस बी का फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख के दिखाऊं आपको क्या? साइन ए माइनस बी दैट इज वॉट, साइन ए कॉज बी माइनस कॉज ए साइन बी। यही होता है क्या? यही होता है क्या बच्चों? अरे होता ही नहीं होता, बोल दो। अच्छा, तो अगर मैं इसमें ये अप्लाई कर दूं तो ये क्या हो जाएगा? साइन पाई पी कॉज पाई एच माइनस कॉज पाई पी साइन पाई एच, और अपॉन में कितना है? माइनस का एच। अब थोड़ी थोड़ी फिर समझदारी दिखाओ मुझे। ये क्या लिखा हुआ है? पाई पी, पाई पी का मतलब क्या हो गया? जीरो। ये इसकी वजह से ये पूरी टर्म क्या हो गई? जीरो हो गई। तो अब मेरे पास क्या बचा? पी माइनस वन दैट इज लिमिट ऑफ, ऑप्शन डी आ रहा है मेरा। ऑप्शन डी आ रहा है? अच्छा, और किसी का कोई और ऑप्शन आ रहा हो तो बताओ मुझे। सर डी नहीं, बी। बी, बी, डी माइनस वन रेस्ट पावर पी प्लस वन इनटू वन माइनस पी पाई। ये जी सर। अच्छा अभी देखते हैं फिर, तुम्हारे ख्वाब पूरे कराता हूं मैं अभी, एक मिनट रुको। यहाँ पे क्या बचा? यहाँ पे आपका बचा माइनस कॉज पाई पी इंटू साइन पाई एच, और ये क्या है भाई? इसको ध्यान से देखो, यहाँ पे माइनस का एच चाहिए, तो इस माइनस से इस माइनस का अंतिम संस्कार कर दूं, कोई दिक्कत किसी को? आपने अपने घर से यहाँ पे पाई लगा दिया तो पाई यहाँ भी लगा दिया अपने घर से, क्यों लगाया आपने? ये हो गया वन। अब क्या बचा भाई? ये पी माइनस वन आपका है, ये आपकी लिमिट एच टेंड्स टू जीरो दैट इज कॉज पाई पी, और आपका पाई ये आपका बचा हुआ है। अब मैं अपनी बात वापस फिर ले जाता हूँ पीछे की तरफ, और मैं वापस यहां से करता हूँ। ये जो मैंने बात की थी ना यहाँ पर, इसी बात को मैं वापस से स्टार्ट करता हूँ। अगर कॉज क्या नाम है, पी इक्वल टू इंटीजर है, तो मुझे छोटी छोटी कुछ बातों का आंसर दो आप लोग। कॉज पाई कितना होता है? माइनस वन। कॉज टू पाई कितना होता है? वन। प्लस का वन। कॉज थ्री पाई कितना होता है? माइनस वन। माइनस वन, शाबाश। और मैं अगर पूछ लूं कॉज फोर पाई? वन। तो प्लस वन होता है। तो क्या इसी बात को, ये जो बात है, इस बात को यानी कि कॉज एन पाई को, यानी कि इंटीजर के लिए, क्या मैं इसको ये लिख दूं प्लस माइनस वन? यस। अच्छा, किसे कोई आपत्ति इस बात से? नो। अच्छा, क्या मैं इसको कुछ थोड़ा और अच्छा करके लिखूं? आप लोग बताना मुझे कि आप मेरी बात से एग्री हो या नहीं हो। क्या मैं इसको ये लिख दूं? यस सर। एग्री हो सब लोग? यस सर। ठीक है, तो अगर आप एग्री हो तो अब मेरी बात को पकड़िए और समझिए। ये जो कॉज
पाई पी है, इसको क्या लिख दूं मैं, यानी कि इसको क्या लिख दूं मैं, माइनस वन रेस्ट पावर पी। तो या आपने कहा कि सर इसको लिख दो माइनस वन की पावर पी, यानी कि एन की जगह पे पी है तो पी लिख दिया, और पी माइनस आपका बचा हुआ है और पाई आपके पास फ्री में पड़ा हुआ है, तो देखना क्या कोई ऑप्शन मैच किया। ऑप्शन बी, ऑप्शन डी, बी बी, यस सर, माइनस कॉमन दे रखा है ना आपने। अब मैंने यार इन ऑप्शन को गौर से देखा, मुझे पता नहीं क्यों ये चारों के चारों ऑप्शन मैच होते हुए नजर आ रहे हैं, क्या आपको भी नजर आ रहे हैं? यस सर, सारे हैं। तो मैंने तो तुम लोगों को पहले ही बोला था कि भैया ये क्वेश्चन आईआईटी का है और आईआईटी में मल्टीपल चॉइस होता है, तो समझे बात को। यस सर, यानी कि चारों के चारों ऑप्शन सही हैं, हालांकि आईआईटी ने तो ये दो ऑप्शन में ही पूछा था, मैंने इसके जो बाकी दो ऑप्शन लगाए उसमें जानबूझ के सबको मैच करा दिया। तो क्लियर है भाई, किसी में से माइनस कॉमन ले लिया, किसी में माइनस हटा दिया, बस इतना किया, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। क्लियर? Yes. क्या क्लास के हर बच्चे को ये क्वेश्चन क्लियर है? बताओ बेटा। यस सर। यस सर। ओके भाव्य, भाव्य बेटा, भाव्य कंप्यूटर साइंस वाली भाव्य, सब लड़की नहीं, लड़का है, लड़का है वो, भाव्य है। अच्छा, उसको भाव्य नाम है। यस सर, उसका नाम कुछ इस तरीके का है, चलो अच्छी बात है। अब बेटा क्लियर है भाव्य? अब तक मैं उसको लड़की समझता था, एक आध बार मैंने नोटिस भी किया था, देखा तो था, अगर मैं भाव्य बोलूंगा तो लड़की हो जाए, भाव्य बोलूंगा तो लड़का रहेगा। तो आई होप सबको ये क्वेश्चन क्लियर होगा। तो ऑब्वियसली बात है, जब आईआईटी कोई क्वेश्चन देता है तो हम जैसे लोग जो बैठे हैं बाहर, वो क्या करते हैं, वो उसके कोई कॉपी बनाते हैं। तो हमने क्या किया, एक कॉपी बनाई उसकी, इस क्वेश्चन की, और कॉपी आपकी ये रही। पिछले क्वेश्चन में लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव पूछा था, हमने क्या डाल दिया, राइट हैंड डेरिवेटिव डाल दिया। तो क्या आप लोगों से हो जाएगा? यस सर। यस सर। तो गोली की तरह इस क्वेश्चन को करो, बिल्कुल गोली की तरह। टेन पाई एक्स बिल्कुल उसी की तरह रिएक्ट करता है जैसे साइन पाई एक्स करता है। मानस, हुआ क्वेश्चन? मेरा तो कोई मैच नहीं कर रहा, कोई मैच नहीं कर रहा, कहां पर गलती, मेरा भी कोई नहीं कर रहा। अरे वाह, तो लास्ट वाले में प्लस 5 होगा तो हो जाएगा। अच्छा, लेकिन मेरे हिसाब से आंसर तो इसका ए होना चाहिए, आंसर तो इसका ए होगा, आप कह रहे हो लास्ट वाले में, क्या गलती की है आपने? आ गया सर, ये आ गया, आ गया। अब क्या गलती की थी बताओ मुझे। पाई इवन हो ऑड हो, टेन टेन
एनी इंटीजर ऑफ पाई प्लस कोई भी एंगल वो पॉजिटिव बन जाएगा, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में या थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा वो, वहां पे 10 पॉजिटिव भी होता है, तो माइनस कंसीडर करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो वो जिन लोगों से नहीं हुआ वो फटाफट फटाफट से देखो, राइट हैंड लिमिट की बात कर रहे हैं, राइट हैंड डेरिवेटिव की बात कर रहे हैं, यानी पी प्लस की बात करेंगे। इंटीजर उन्होंने बोला है, इंटीजर बोले तो मतलब एन होता है, ये बात हमें क्लियर है, जो कि हम बड़ी देर से क्लियर करके आए हैं। अब हम क्या करेंगे, लिमिट ऑफ एच टेंड्स टू जीरो प्लेस करेंगे। मैं एफ की फॉर्म में प्लेस नहीं कर रहा हूँ, इस बार सीधा प्लेस कर रहा हूँ, तो सीधा प्लेस करूंगा तो यहाँ पर आ जाएगा आपका पी प्लस एच, और इस जगह पर आ जाएगा टेन पाई पी प्लस एच। माइनस क्या प्लेस करेंगे, पी प्लेस करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका पी, और यहाँ पर आ जाएगा आपका टेन पी पाई पी। ठीक है, ये बात आप लोगों को सबको क्लियर होगी। राइट हैंड डेरिवेटिव है तो इसका मतलब प्लस का एच यहाँ पर होगा। समझदार लोग कहेंगे कि भैया टेन पाई पी के मतलब है जीरो, और जीरो का मतलब ये सारा खेल जीरो हो जाना, सारा खेल जीरो हो गया। और ये पी प्लस एच है, पी प्लस एच कहाँ पर होता है, यहाँ पर होता है पी प्लस एच, और इससे पहले पी होता है, तो आपको मालूम है पी प्लस एच यानी बहुत छोटी सी क्वांटिटी है, किधर की तरफ मूव करेगा, ये पी पे ही करेगा। राइट, क्या क्लियर है ये बात, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा इसका, पी होगा। ओके, तो इसका मतलब ये वाली पार्टी पी हो गई, जो कि कांस्टेंट हो गई, कांस्टेंट हो गई तो हमने फेंक दी बाहर। ऊपर जो बचा, ऊपर क्या बचा, ऊपर बचा हुआ है टेन पाई पी प्लस पाई एच, और अपॉन में बचा हुआ है एच, तो एच से इतना कोई खास फर्क पड़ नहीं रहा। मैं ऊपर ओपन कर ले रहा हूँ फॉर्मूला, फॉर्मूला किसका है, टेन ए प्लस बी। टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, पाई पी प्लस पाई एच अपॉन में वन माइनस टेन पाई पी एंड टेन पाई एच, और इनटू में एच तो है ही आपको मालूम है, तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। ठीक, समझदार लोग क्या कहेंगे, समझदार लोग कहेंगे टेन पाई से फिर मामला ये वाला गड़बड़ हो गया, ये वाला मामला क्या हो गया, जीरो हो गया। तो ये टेन पाई पी टेन पाई एच, और ये वाला पार्टी भी क्या हो गई, जीरो हो गई। तो ये क्या बचा, पी लिमिट दैट इज एच टेंड्स टू जीरो टेन पाई एच, और अपॉन में कौन पड़ा हुआ है, एच पड़ा हुआ है। ये बात आपको क्लियर है, आपने क्या किया, अपनी मर्जी से यहाँ पाई लगाया, अपनी मर्जी से यहाँ पाई लगाया, और ऐसा लगाते ये वाली पार्टी क्या हो गई, वन हो गई, और आंसर आ गया आपका पाई पी। क्या क्लियर है, हाँ भाई क्लियर है बच्चों? यस सर। ओके, तो फटाफट से आगे की तरफ बढ़ते हैं, और मैं कुछ बातें आपको फिर से याद दिलाता हुआ चल रहा हूँ। क्या ये बात याद है आपको, ए के लिए ऐसे लिख सकते हैं, yes. तो टू के लिए ऐसे लिख सकते हैं, yes. तो सी के लिए ऐसे लिख सकते हैं, yes. तो एक्स के लिए ऐसे लिख सकते हैं, राइट? जानबूझ के याद दिला रहा हूँ, आगे कहीं काम आने वाली है इसलिए। अगला क्वेश्चन ये रहा, और क्वेश्चन करने से पहले इस नाम को गौर से पढ़ लिएगा, ऐसा कुछ लिखा हुआ है, राइट? बताइए क्या करना है। सबसे पहले तो इन्होंने बड़ी अजीब अजीब सी बातें की हैं कि एफ एक्स इज ए रियल वैल्यूड फंक्शन। कोई बच्चा बताएगा रियल वैल्यूड फंक्शन का मतलब क्या होता है? रियल वैल्यूज के लिए डिफाइंड है। रियल वैल्यूज के लिए डिफाइंड है, क्या लिखूं मैं इसको, नोटेशन होती है कोई इसकी? यस सर, एफ आर से आर। हाँ बिल्कुल, रियल वैल्यू ही इसमें डाली जाएंगी, रियल वैल्यू ही इसका आंसर आएगा, यानी इनपुट और आउटपुट दोनों जो है रियल वैल्यूज। ठीक है, इतने सी बात लिख दी मैंने। ओके, अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ और इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करूंगा। मेरे पास लिखा हुआ है दैट इज मॉड में एफ ऑफ एक्स। मैंने जो बातें अभी थोड़ी देर पहले एक पेज पहले कही थी, मैं उन्हीं बातों को दोहराया जानबूझ के था, ताकि आपको एक बात समझ में आ जाए। ये ऐसा लिखा हुआ है, तो मुझे सिर्फ एक छोटी सी बात बताइए आप लोग, आप लोगों से विनती है कि आप लोग बताइए, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, क्या मैं मॉड लगा सकता हूँ यहाँ पर? यस सर। पक्का? यस सर, स्क्वायर है ना? अच्छा स्क्वायर है तो लिख सकता हूँ, ऑब्वियस सी बात है। yes. अच्छा ठीक है, मैंने ऐसे लिख दिया, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि f of x that is f of y अपॉन में
एक्स माइनस वाई लेस देन इक्वल टू एक्स माइनस वाई, क्या ऐसा लिख सकता हूं मैं सर? यस सर। अच्छा, मॉड की प्रॉपर्टी आप लोगों ने सीखी होंगी। मॉड की प्रॉपर्टी कहती है कि अगर अलग अलग है तो साथ कर सकते हो और साथ है तो अलग अलग कर सकते हो, क्या ये बात मालूम है आपको? यस। ओके यार, ये जो शकल है, ये जो शकल आपको दिख रही है, ये किसकी तरह शकल दिख रही है? डेरिवेटिव। अच्छा, क्या मैं आप अपनी मर्जी से, क्या आप इसमें डेरिवेटिव जैसी शकल दिख रही है, और डेरिवेटिव जैसी शकल दिख रही है तो आपको लिमिट भी दिख रही होगी, कौन सी वाली लिमिट है दिख रही है क्या? समझदार हो, अभी बार बार मैंने इसीलिए बताया था, तो ऑब्वियस सी बात है लिमिट दोनों तरफ दिखेगी फिर, अगर दिख रही है तो दैट इज वाई टेंड्स टू एक्स, दैट इज एक्स माइनस वाई। ये वाला मामला तो आपको मालूम है, खत्म हो गया, जो बचा हुआ उसको ही मैं दोबारा लिख रहा हूं। आप लोग देखिए, ये वाली पार्टी तो जीरो हो गई जैसे पुट करोगे। क्या मैं लिमिट को अंदर ले जा सकता हूं? मैंने कहीं पे ऐसा कोई रूल पढ़ा है? जीरो आएगा उसका आंसर? यस सर, होपफुली जीरो ही आएगा। अभी आपको पता लगेगा जीरो क्यों आएगा, आपको तो लग गया होगा, बाकी लोगों को पता लगेगा। तो लिमिट का हमने रूल पढ़ा है कि भैया अंदर जा सकता है, मॉड के अंदर चली जाती है लिमिट। तो भैया ये तो कुछ ऐसे लिखा हुआ है, एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ वाई अपॉन में एक्स माइनस वाई, और दैट इज लेस देन इक्वल टू जीरो। अच्छा ठीक है यार, ये जो लिखा हुआ है अंदर का सामान, क्या इसको मैं कुछ और लिख सकता हूं? ये जो अंदर का सामान लिखा हुआ है इसे कुछ और लिख सकता हूं क्या? पिछले पेज पे जाते हैं यार, इसको देखो गौर से, क्या लिख सकता हूं इसको? एफ डैश एक्स लिख सकता हूं इसको मैं? एफ डैश एक्स लिखा होगा, माइनस ऊपर से लेके माइनस नीचे से लेके कॉमन लेके काट भी दूं तो इसका मतलब ये क्या है? ये एफ डैश एक्स है, क्या ये बात क्लियर हो गई? यस। अच्छा, आपको मालूम है मॉड का फंक्शन डिफाइन क्या होता था? कंटिन्यूटी में पढ़ाया था आपको, पढ़ाया था मैंने, इनसाइड फंक्शन मस्ट बी इक्वल टू, इनसाइड वाला क्या होना चाहिए? इक्वल टू जीरो प्लेस करते थे, याद करो। मॉड के अंदर का जो सामान होता था, मॉड की कंटिन्यूटी चेक करने के लिए आप क्या करते थे? मॉड के अंदर का जो सामान उसको इक्वल टू जीरो प्लेस करते थे, मैंने ऐसे करके लिखाया था। मॉड तो हमेशा कंटिन्यूअस है, मॉड कंटिन्यूअस है, लेकिन मॉड के अंदर का फंक्शन चेक करते थे ना, इसीलिए याद करो यार, ऐसे ऐसे याद करो, मॉड हमेशा कंटिन्यूअस है, इसको हम क्या करते थे? इसको चेक करते थे ऐसे, याद है भाई? मॉड हमेशा के लिए कंटिन्यूअस है, अंदर पॉलिनोमियल है तो हमेशा के लिए कंटिन्यूअस है, लेकिन जब हम डिफरेंशिएबिलिटी पे जा रहे हैं तो x माइनस टू पे क्या हो गया ये? ऐसे डिफरेंशिएबिलिटी पे चेक करेंगे। हाँ, डिफरेंशिएबिलिटी पे चेक करेंगे। Yes. मैंने लेकिन कंटिन्यूटी में बताया ना ये वाला पॉइंट, तो इसका मतलब मैं क्या कह दूं? मैं ये कह दूं कि एफ डैश एक्स कितना है? जीरो है, मैं ये कह सकता हूं? Yes. और अगर एफ डैश एक्स जीरो है, किस फंक्शन का जीरो आता है? वो किसी कांस्टेंट फंक्शन का ही जीरो आता है? Yes, sir. Okay. इसका मतलब अगर एफ डैश एक्स, अरे यार ये देखो सभी लोग, मैंने लिखा एफ एक्स इक्वल टू 500, डेरिवेटिव करूं क्या आ जाएगा? जीरो। मैंने लिखा एफ एक्स इक्वल टू 2, मैंने डेरिवेटिव किया, क्या आ गया? जीरो। यानी कांस्टेंट फंक्शन का ही आ रहा है ना हर बार, तो इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि ये जो फंक्शन है वो कांस्टेंट है, और अगर फंक्शन कांस्टेंट है तो आप यहां पर जीरो पुट करो, आप यहां पर 1 पुट करो, आप यहां पर 600 पुट करो, कुछ भी पुट करो वो कांस्टेंट आएगा, एम आई राइट? यस सर। लेकिन उसने कहा है कि एफ जीरो जो है जीरो है, उसने क्या कहा? एफ जीरो जो है जीरो है, इसका मतलब एफ 1 भी जीरो होगा, एफ 600 भी जीरो होगा, क्या ये बात क्लियर है? यस सर।
तो बस यही काम करना था। उसने क्या कहा था, एफ वन निकालना है, तो एफ वन क्या होगा, जीरो होगा। तो किसी बच्चे का आ गया था ए आंसर हो जाएगा। क्या क्लियर हुआ बच्चों सबको? यस सर। ओके ठीक है। अब ऑब्वियस सी बात है, इसकी कॉपी बननी चाहिए, तो कॉपी बनाई। कॉपी ये रही, समझ गए इसका आंसर कैसे करना है। यस सर। वही करना है, एक मॉड एक्स माइनस वन नीचे ले आना है और उससे आपका काम हो जाएगा। तो इसकी कितनी भी कॉपी बना सकता है क्वेश्चन वाला, तो आप उससे डरिएगा मत। तो आप आगे की तरफ बढ़े भाई हो। ओके आगे बढ़ते हैं और थोड़ा और आगे जाके बातें करते हैं। मैं एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ यार, इसकी डिफरेंसिबिलिटी बताओ मुझे। ये डिफरेंसिबल है या नहीं है? सर x इक्वल टू जीरो जब होगा, जब नहीं होगा। ओवरऑल मॉड लगा हुआ है, तो अगर मैं आपको अच्छा एक बात बताओ, क्या मैंने जीरो पर डिफेंसिबल नहीं है, वन पर डिफेंसिबल नहीं है? अच्छा मैंने तो क्वेश्चन में दिया ही नहीं कि किस पॉइंट पे चेक करनी है इसकी डिफेंसिबिलिटी। तो अंडरस्टूड वाली बात है कि नहीं दे रखा है, तो आपको खुद से पता करनी है। खुद से कहा, मॉड के अंदर का जो फंक्शन होता है वो इक्वल टू जीरो होना चाहिए, ये बात क्लियर है। और वो इक्वल टू जीरो होना चाहिए, यानी लॉग एक्स इक्वल टू जीरो होना चाहिए, राइट? लॉग एक्स इक्वल टू जीरो होना चाहिए, इसका मतलब क्या हो गया? देखिए यहाँ पे आप ये सीखोगे कि पिछले पॉइंट पे हम ये सीख के आए कि अंदर के मॉड जब भी दे रखा हो तो अंदर के फंक्शन से सारी चीजें पता लगती हैं। ये हम पिछले क्वेश्चन से सीख के आ गए। अब ये आपका आ गया log x। अब यहाँ पर पॉइंट ही नहीं दिया, तो हमने क्या किया, हम पिछले क्वेश्चन से जो सीख के आए उसका ln दे रखा है। ln का मतलब क्या होता है, log e of x होता है, जो क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, ये e जाके उसके चरणों में बैठ जाएगा, यानी e की पावर जीरो हो जाएगा। e की पावर जीरो मतलब वन हो गया, यानी x इक्वल टू वन यहाँ से कुछ निकल के आ गया। ये तो क्लियर है ना आपको? Yes, तो हमने क्या किया, वन पर चेक करना स्टार्ट किया, यानी यहीं से पता लगा वन पे सारा खेल स्टार्ट होगा। हालांकि मैं इसके आंसर आपको अलग ही तरीके से दूंगा, लेकिन अभी मैं चल रहा हूँ। जब मैंने वन पे स्टार्ट किया तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एफ डैश वन प्लस चेक करूंगा, जो कि आर एच डी होता है। और आर एच डी के लिए जब मैंने चेक करना स्टार्ट किया तो क्या हो जाएगा भैया, बड़ी सिंपल सी बात, दैट इज वन प्लस एच, दैट इज एफ ऑफ वन अपॉन ऑफ दैट इज एच। मैंने लिमिट लगाना भूल गया हूं, तो मैंने लिमिट लगा दी है। अब आगे बढ़ रहे हैं, दैट इज लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, एंड दिस इज व्हाट, ln के साथ चलेगा ये मामला। तो क्या है, ln 1 प्लस एच माइनस दिस इज ln एच या 1, 1 दे रखा है तो, और आपका ये मॉड क्लोज हो गया और अपॉन में एच हो गया। मुझे छोटी छोटी सी बातों का आंसर देते जाइए। ln 1 कितना होता है, जीरो, तो लिमिट h टेंड्स टू जीरो ये आपका बचा ln 1 प्लस h अपॉन में h। कुछ दिखाई दे रहा है, वन हो जाएगा। दिखाई ऐसे मत देना, ऐसे देना, लिमिट को पहले अंदर ले जाना। कई बार क्या होता है, ऐसे अगर दिखाई दे जाता है ना तो किसी किसी क्वेश्चन में फिर लोचा हो जाता है। क्या क्लियर है ये बात सबको? Yes, ये क्या हो गया अंदर का मामला, क्लियर? तो लेफ्ट हैंड का तो मामला सुलट गया, राइट हैंड का मामला कैसे सुलटा है? सॉरी, राइट हैंड का निकल गया और लेफ्ट हैंड का करते हैं। तो लेफ्ट हैंड का करोगे, नहीं एफ डैश वन माइनस की बात करोगे, तो वन माइनस की बात करोगे तो लिमिट एच टेंड्स टू जीरो रखोगे। और मैं इस वाले स्टेप से कर रहा हूं अब, that is mod, that is l on ln of 1 minus h रखा minus ln of 1 रखा जाएगा। ये बात आपको पता है और बार बार पता है, ये वाली पार्टी आपकी जीरो हो जाएगी। यहाँ तक तो आपको कोई शंका और लघु शंका है नहीं। अब यहाँ पे मामला स्टार्ट होता है, यहाँ पे मामला फंसेगा। अब क्या करें मुझे बताओ। so, minus h हो जाएगा, तो mod है तो h हो जाएगा। h हो जाएगा, sure? yes, so फिर h upon minus h minus 1 हो जाएगा, तो माइनस वन आ जाएगा। यस सर। अच्छा मॉड जो है माइनस का खुलेगा प्लस का खुलेगा? सर मॉड तो पॉजिटिव वैल्यू देगा। अच्छा तो माइनस पे खुलेगा क्योंकि अंदर नेगेटिव है। अंदर नेगेटिव है,
अब कुछ लोगों को ये दर्शन हो नहीं रहे होंगे कि ये अंदर नेगेटिव कैसे है। मैं अभी उन लोगों को दर्शन कराऊंगा, पहले मैं लिख दूं ये ln हो गया 1 माइनस h और ये अपॉन में h। तो मैंने क्या किया, अपने घर से एक माइनस साइन यहाँ पे था ही यहाँ पे, तो आपका ये वाली पार्टी क्या हो गई, ये वाली पार्टी आपकी 1 हो गई, क्योंकि जैसा यहाँ पर है वैसा यहाँ पर है, तो ये आपका आ गया माइनस का 1। अब कुछ लोगों को दर्शन नहीं हुए इसके कि ऐसे कैसे हो गया। मैंने कहा एक काम करते हैं दर्शन करने के लिए, एक बच्चे ने तो बोल दिया कि नेगेटिव होगा लेकिन बाकी वो क्लियर नहीं है, तो मैंने कहा लॉक की फोटो बनाते हैं। लॉक की फोटो याद है आप लोगों को, ऐसे कुछ बनाया है मैंने। आपको मालूम है ये वाला पॉइंट जो 1.0 होता है, और 1.0 से यानी ये सारा सेक्शन जो है क्या है, पॉजिटिव है, यानी जब जब ये 1 है, 1 या 1 से बड़ा है, ये पॉजिटिव है। लेकिन जैसे ही वो नीचे जाके घटना स्टार्ट हुआ, रिड्यूस होना स्टार्ट हुआ, और रिड्यूस होना स्टार्ट हुआ तो कहां जाने लगा, नेगेटिव में जाने लगा। दिख रहा है आप लोगों को ये सारा सेक्शन क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो ओवरऑल इसलिए ये सारा क्या है, ये वाली पार्टी सारी क्या हो गई, नेगेटिव हो गई। अब क्लियर है बच्चों? बच्चों ठीक है, तो इसलिए ये नेगेटिव लिखा मैंने, इसलिए माइनस का साइन आया, ये आपका 1 हो गया तो माइनस 1 हो गया। तो ऑब्वियसली बात है कि एल एच डी इज नॉट इक्वल टू आर एच डी, ये भी क्लियर सबको। अच्छा वैसे मुझे बताओ कि 1 पर जो है नॉन डिफरेंशिएबल था नहीं था, ये आप वैसे भी पता कर सकते नहीं कर सकते थे? ग्राफ बना देंगे। हाँ एक लाइन में होता, ये एक लाइन में कैसे होता, मैं कहता कि जो इसकी ग्राफ होती है, आपको मालूम है कि ये इसका ग्राफ अभी अभी मैंने बनाया है, ये ग्राफ होता है ऐसे, लेकिन क्योंकि मॉड लगा हुआ है तो मॉड में क्या होता है, नीचे वाला सेक्शन ऊपर की तरफ बन जाता है, नीचे वाला सेक्शन ऊपर की तरफ बन जाता है, यानी कि ये वाला जो सेक्शन है वो कहाँ चला जाता, वो यहाँ चला जाता है यहाँ कहीं। तो इसका मतलब इस पॉइंट पर यानी कि 1.0 पे क्या हो जाता, ये नॉन डिफरेंशिएबल हो जाता। क्लियर है बच्चों? क्योंकि शार्प आ जाता। क्लियर है बेटा? सर 1 पे भी और x इक्वल 0 पे भी तो होगा, जीरो तक तो जाता ही नहीं है, वो जा रहा है क्या? सर इनफिनिटी होगा यहाँ पे, नॉन रिमेंबर्ड डिस्कंटिन्यूटी होगा। हाँ वो इनफिनिटी हो जाएगा, इनफिनिटी पे तो कुछ डिसाइड ही नहीं कर पाओगे ना, इससे डिस्कंटिन्यूस बोल देते हैं यहाँ पे आई थिंक। लेकिन डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी थी इस क्वेश्चन में। यस सर, अगर वो वहाँ पे डिस्कंटिन्यूस हो जाएगा तो नॉन डिफरेंशिएबल हो जाएगा। हाँ ठीक है, चले फिर आगे की तरफ बढ़े। सर मॉड से हमने बाहर निकाला था, फिर नेगेटिव से मल्टीप्लाई हुई तो माइनस हमने नीचे लिया एच में। मैंने लिया नहीं है बेटा, ये फॉर्मूले का है, देखो ये लेफ्ट हैंड लिमिट है, लेफ्ट हैंड लिमिट में लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में माइनस होता है। ओके ओके ठीक है, तो उसकी वजह से माइनस है। तो आगे बढ़ते हैं और एक और थोड़ा गंदा सा क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि लिमिट लिमिट में तो फिर भी सुंदर सुंदर क्वेश्चन होता है। डेरिवेटिव और कंटिन्यूटी यानी डिफरेंशिएबिलिटी और कंटिन्यूटी में सारे गंदे क्वेश्चन होते हैं। सामने गंदा सा क्वेश्चन दिख रहा है, ये क्या लिखा हुआ है यार, क्या समझ आ रहा है आपको इसमें से? आ रहा है कुछ समझ में? नहीं आ रहा, देखो दिखने में तो ऐसा लग रहा है कि यार ये क्या बवाल है, लेकिन ये बवाल नहीं है, मतलब बहुत सिंपल लिखा हुआ है, बस आपको पकड़ में आ रहा है नहीं आ रहा मुझे मालूम नहीं। क्या देखना, मैं जो लिखने जा रहा हूं आप समझना क्या ये वही लिखा हुआ है। क्या आप समझ पाए ये लिखा है? ये देखो ये लिखा हुआ है 0 नॉट इक्वल टू 0 और नॉट इक्वल टू दिस पर तो ये फंक्शन है, और इक्वल टू 0 पे, ये क्या इक्वल टू 0 है ना, कब कब, जब 0 पुट कर रहे हो और जब 1 अपॉन आर पाई पुट कर रहे हो तो 0 है, यानी 0 पुट कर रहे हो और 1 अपॉन आर पाई पुट कर रहे हो तो कितना है, 0 है। तो ये नीचे वाला मिल गया। अब क्लियर हो गया बेटा? यस सर। अब आपने देखो लिख लिया कि कितना आसानी से लिख सकते हैं हम इसको। अच्छा मैं आपको एक चीज और बताऊं कि जब जब आप सीधा एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन में माइनस एच वाला फॉर्मूला लगा रहे हो उससे कर रहे हो तब तक तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कई बार क्या होता है जब आप उसका यूज नहीं कर रहे हो और सीधा लिमिट काट रहे हो तो उस केस में आप कंटिन्यूटी जरूर चेक करना साथ में, राइट?
कई बार वहां से पता लग जाएगा आपको। अब मैं एक सीट ऐड कर रहा हूँ इसमें ताकि क्वेश्चन सॉल्व करा पाऊं। कंटेनर का डिफरेंशियल आएगा, कंटीन्यूअस और डिफरेंशियबल। कंटीन्यूअस और डिफरेंशियबल, कंटीन्यूअस तो मेरे हिसाब से आना चाहिए, डिफरेंशियबल शायद नहीं आएगा। कंटीन्यूअस तो आ जाएगा ये, चलो देख लेते हैं कोई बात नहीं। अगर मैं कंटिन्यूटी चेक कर रहा हूँ, आपने डिफरेंशियबल भी आ रहा है ना आपका? मैं तो इसलिए बोले कि वो कंटीन्यूअस होगा और इसमें शार्प एज भी नहीं होंगे, अच्छा तो फिर डिफरेंशियबल भी होना चाहिए। चेक कर लेते हैं फिर एक बार। तो पहला काम यह है कि हम कंटिन्यूटी चेक कर लेते हैं x इक्वल टू जीरो पर, कि जीरो की कहानी है। तो आपको मालूम है जब हम कंटिन्यूटी चेक करने जा रहे हैं x इक्वल टू जीरो पर, तो आपको मालूम है कंटिन्यूटी चेक करने के लिए आप क्या करोगे, प्लेस करोगे फंक्शन में। किसमें प्लेस करोगे? फंक्शन में। अब जीरो पर जब आप चेक कर रहे हो एट x इक्वल टू जीरो पर, तो लिमिट तो एक ही जगह पर कटेगी और आपको मालूम है कहाँ पर कटेगी वो, यानी लिमिट कहाँ पर यूज करोगे। क्या आपको ये बात क्लियर है? कौन सा फंक्शन लूं, ऊपर वाला नीचे वाला? नीचे वाला लेंगे। लेफ्ट राइट पे नहीं चेक करोगे? लेफ्ट राइट पे ऊपर वाला लेंगे और जीरो पे के लिए नीचे वाला। हाँ, तो आपको याद होगा कंटिन्यूटी में मैंने बताया था कि जब भी जीरो और नॉट इक्वल इक्वल टू और नॉट इक्वल टू आ जाए तो नॉट इक्वल टू वाले पे खेल जाते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, नॉट इक्वल टू वाले पे खेल रहे हैं, और नॉट इक्वल टू वाले पे जब हम खेलेंगे तो लिमिट एच टेंड्स टू जीरो करेंगे, और आपका जो भी फंक्शन है दैट इज एक्स ऑफ साइन ऑफ वन अपॉन एक्स एंड साइन ऑफ वन अपॉन एक्स साइन ऑफ कितना गंदा फंक्शन है एक्स, और दिस इज साइन वन अपॉन एक्स मैंने लिख लिया। जब आप इसमें लिमिट प्लेस करोगे तो आपको मालूम है, आपको बहुत अच्छे से मालूम है ये वाली पार्टी क्या हो जाएगी, इनफिनिटी। अगर एक्स जीरो डाल देते हो, क्योंकि जब आप नॉट इक्वल टू पे जब आप चेक कर रहे हो तो सीधा पुट कर सकते हो ना, तो मैंने क्या किया, इन्फिनिटी हो गया। इसको मैंने गौर से देखा, इसको गौर से देखो आप लोग, ये भी यार कुछ ऐसा ही आ रहा है, क्या आपका भी यही आ रहा है? यस सर। तो क्या आप लोग इस बात को समझ सकते हो कि ये माइनस वन से वन और ये माइनस वन से वन कुछ ऐसा लिखा हुआ है? यस यस सर। तो इसका मतलब तो ये जीरो हो गया। यस। अच्छा ठीक है, अगर मैं कॉन्टिन्यूटी चेक करने जाऊं किस पे, वन अपॉन आर पाई पे भी चेक करूंगा मैं, आर पाई पे चेक करूंगा तो भी आपको मालूम है सीधा इस पे तो खेलूंगा नहीं मैं, ऊपर वाले पे खेलूंगा। अब मैं आर पाई पे जब चेक करने गया तो लिमिट दैट इज एक्स टेंड्स टू या एच टेंड्स टू वन अपॉन आर पाई या एक्स टेंड्स टू आर पाई होता है जब आप इसके लिए चल रहे होते हो तो, और ये भी एक्स टेंड्स टू जीरो ही होता है जब इसके लिए चल रहे होते हो। तो आगे बढ़े हम, और यहाँ पर क्या आएगा, कोई एक ही स्टेप में बता सकता है मुझे? इधर भी जीरो ही हो जाएगा। इधर भी जीरो ही हो जाएगा। कैसे जीरो हो गया? साइन वन बाय एक्स है। एग्जैक्टली, ये आपका वन अपॉन आर पाई जरूर हो जाएगा, लेकिन ये आपका क्योंकि वन अपॉन पाई है, वन अपॉन एक्स है, और ये भी वन के अपॉन में, तो ये हो जाएगा आर पाई। ठीक, और इसको तो मैं छोड़ ही देता हूँ, इस सबको तो मैं छोड़ ही देता हूँ, जो है सो है, बाद में बात कर लेंगे इसकी। लेकिन आप एक बात बहुत क्लियरली समझ रहे हो, आर की वैल्यू क्या है, वन टू थ्री फोर पाई। इसका मतलब ये क्या लिखा है, साइन वन पाई, साइन टू पाई, साइन थ्री पाई, साइन फोर पाई। इसका मतलब याद करो, साइन एन पाई दैट इज इक्वल टू जीरो व्हेन एन बिलोंग्स टू इंटीजर। इसका मतलब सारा मामला जीरो हो गया, और जीरो होते ही दोनों क्या हो गए, कॉन्टिन्यूस हो गया कि नहीं हो गया? Yes. बच्चों ओके ठीक है, कॉन्टिन्यूस हो गया। आप चलते हैं डिफरेंसिबिलिटी की तरफ। तो डिफरेंसिबिलिटी चेक करने के लिए पहले जीरो पे चेक कर लेता हूं, सबसे सही पॉइंट तो वही है, जीरो पे चेक करता हूं। तो एट एक्स इक्वल टू जीरो, तो डिफरेंसिबिलिटी कैसे चेक होती है भैया, एफ जीरो प्लस करोगे। तो अगर मैं चेक करता हूं दैट इज एच टेंड्स टू जीरो, दैट इज एफ जीरो प्लस एच माइनस एफ ऑफ जीरो। अब यहां पर आप एक स्टेप समझना और कोशिश करना कि आपको ग्रिप ग्रैब हो जाए एक बार में, ठीक है? तो जब मैंने प्लेस करना स्टार्ट किया, मेरा जो फंक्शन है दैट इज एक्स साइन वन अपॉन एक्स,
तो लिमिट एच टेंड्स टू जीरो दिस इज वन अपॉन एच, वन अपॉन एच बोले तो यानी वन अपॉन एक्स, यानी एक्स है ये, वन अपॉन नहीं है, यहां पर आ गया आपका जीरो प्लस एच। क्लियर है सबको ये बात? ओके यहां पर क्या आया साइन वन अपॉन एच, यानी कि वन अपॉन जीरो प्लस एच साइन वन अपॉन एक्स, यानी कि जीरो प्लस एच साइन वन अपॉन जीरो प्लस एच क्लोज, ये तो आपने प्लेस कर दिया, अपॉन में आएगा आपके एच क्योंकि पॉजिटिव वाले ले लो। यहां पर क्या लिखूं इस जगह पर? कैसे जीरो है सर? जीरो नहीं आया। अरे अभी आप जीरो बोल रहे थे, अब कह रहे जीरो नहीं आएगा? नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो आप नॉट डिफाइंड हो जाएगा इसलिए उसे जीरो नहीं लिखोगे? क्वेश्चन में कहा है भाई जीरो पे जीरो, देखो क्वेश्चन में जाओ। yes, sir, जीरो ले लेंगे। yes, उसने साफ साफ कहा है कि जब जीरो होगा तब जीरो होगा, तो उसमें पुट करके नहीं चेक करना होता, सीधा जीरो लिखना होता है कि भैया जीरो पे जीरो ही आएगा। तो ये जीरो पे जीरो हो गया, जीरो पे जीरो हो गया, खत्म हो गया। एच से इस एच का अंतिम संस्कार हो गया कि कुछ नहीं होना है इसमें, और कुछ नहीं होना तो लिमिट आपको मालूम है, लिमिट रखोगे तो ये आपका साइन इन्फिनिटी हो जाएगा और ये भी आपका साइन इन्फिनिटी हो जाएगा। अब आप इसका कुछ नहीं उखाड़ सकते भाई, कुछ नहीं कर सकते इसका। तो ये हो गया नॉट डिफाइंड। यस सर, समझ गए? और अगर नॉट डिफाइंड हो गया तो क्या मैं इसका एफ डैश ए माइनस निकालूं या नहीं निकालूं? सर नॉट डिफाइंड यार। नॉट डिफाइंड यानी नो नीड टू फाइंड। क्या बच्चों पर बच्चा पार्टी सबको क्लियर है? यस yes. अरे बाकी लोग भी बोलो क्लियर है सबको? यस सर। भव्य दिक्ता दिव्यांशी कुणाल रजत साहिल सक्षम श्रेय यस सर। श्रेया श्रेया की आवाज ही नहीं आई यहां तक, अभी भी नहीं आई। स्पीकर तो ऑन होता है, आवाज नहीं आती है, अभी भी नहीं आई। इसके लड़की के स्पीकर में प्रॉब्लम है। एक ये श्रेया कंसल है, इसकी एक सिस्टर छोटी सिस्टर है, हमारे 11th के जेई के बैच में। वो है कि चुप नहीं होती, ये है कि बोलती नहीं, दोनों अपोजिट है। चलो अगल हाँ अब आई, हाँ बोलो क्या कह रहे हो, अब क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं बेटा, ठीक है। सर हमने अलग क्वेश्चन किया, इसमें अगर फंक्शन हाँ। जो है वो x की जगह x स्क्वायर होता है, और सब सेम रहता तो फिर डिफरेंशिएबल हाँ। हो जाता ना? x की जगह x स्क्वायर हो जाता तो x स्क्वायर हो जाता तो h से h कटता नहीं, और h आपको जीरो करा देता, जीरो कर जाता तो डिफरेंशिएबल हो सकता था। यस सर, फ्लैट हो जाता हां, चांसेस पूरे पूरे हो जाते क्योंकि उसमें भी क्या जीरो माइनस h करते उधर, तो वो भी पॉजिटिव हो जाता तो डिफरेंशिएबल हो जाता ये, राइट? यस सर। तो लिख लो इस क्वेश्चन को जो आपने बोली, इस वाली बात को लिख लो कि अगर यही वाला क्वेश्चन सेम होता, बस x की जगह पर x स्क्वायर होता, करके देखना तो ये फंक्शन क्या हो जाता, डिफरेंशिएबल हो जाता। ये क्वेश्चन आपने पहले कभी देखा है? यस सर। आपकी आई थिंक 11th की कहीं 12th की एनसीईआरटी में भी पढ़ा हुआ कहीं पर, yes. है ना? तो मुझे जरा जल्दी से बताओ, कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी दोनों चीजें चेक करके बताओ जल्दी से। मुझे मोटे मोटे तौर पे बता दो ऐसा क्यों हुआ, क्यों कंटिन्यूस हुआ, क्यों कंटिन्यूस नहीं हुआ।
सर कंटिन्यूअस तो हम कह सकते हैं क्योंकि अगर जीरो के आसपास लेंगे तो ये जीरो आ जाएगा और नॉन डिफरेंशिएबल इसलिए जैसे एक तो पहले तरीका जैसे करा हमने और इसका जो ग्राफ होता है वो कभी फ्लैटन नहीं होता। ठीक है बाकी बच्चे भी सुन लो, जब हम x इक्वल टू जीरो दे रखा है और एक x नॉट इक्वल टू जीरो दे रखा है तो x इक्वल टू जीरो पर जीरो है और नॉट इक्वल टू x साइन वन अपॉन x फंक्शन है। मैंने आपको पहले भी कई बार कहा है कि जब आपको एक नॉट इक्वल टू दे रखा हो और इक्वल टू दे रखा हो तो सीधा सीधा दे मारो लिमिट जाके किसमें नॉट इक्वल टू वाले में सीधा दे के मार सकते हो, लेफ्ट राइट चेक करने का कोई झंझट नहीं। आपने जैसे इसमें लिमिट दे के मारी होगी x टेंड्स टू जीरो x साइन वन अपॉन x, x की जगह पर जीरो रखते ही जीरो दिखने लगा होगा और साइन वन अपॉन x की जगह पर जीरो रखते ही वो साइन इन्फिनिटी दिखने लगेगा। क्लियर है बच्चों? Yes. कुछ ऐसे x tends to 0 यानी लिमिट दैट इज x tends to 0 यहां पर जीरो दिखेगा और ये साइन 1 अपॉन 0 दिखेगा जिसकी वजह से ये 0 इंटू साइन इन्फिनिटी दिखेगा और अगर ऐसा दिख रहा है तो आपको मालूम है ये माइनस 1 से 1 होता है और अल्टीमेटली 0 होता है। ठीक, यानी ये भी 0 आ गया और 0 पर 0 तो है ही। इसका मतलब एक बात बड़ी साफ है कि ये फंक्शन जो है कॉन्टिन्यूस है एट x इक्वल टू 0 पर। बट अगर मैं चेक करने जाता हूं इसकी डिफरेंसिबिलिटी, क्या चेक करने जाता हूं? डिफरेंसिबिलिटी। तो डिफरेंसिबिलिटी की ऑब्वियस सी बात है, मैं सीधा लिमिट काट देता हूं इसकी, लेफ्ट हैंड चेक कर लूं या राइट हैंड चेक कर लूं, कोई सा भी चेक कर लूं क्योंकि अल्टीमेटली फंक्शन तो वही वाला यूज होना है। तो मैंने क्या किया, बड़ी सिंपल सी बात, दैट इज एफ डैश जीरो माइनस पे चेक कर लेते हैं। तो भैया लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हो गया ये, और इसको चेक करने के लिए आपने लिमिट एच टेंड्स टू जीरो लगाई, यहाँ पर आपका हो गया जीरो माइनस एच, यहाँ पर हो गया आपका जीरो। समझदार लोग जो हमने पीछे बात की थी वही बात दोबारा यहाँ पर करेंगे और वो बात क्या करेंगे कि लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एक्स की जगह पर आपका माइनस एच आ गया और यहाँ पर हो गया साइन वन अपॉन माइनस एच। ये क्या लिखूं जल्दी बताओ? जीरो। क्लियर है सबको ये जीरो, क्योंकि जीरो पे जीरो दे रखा है उन्होंने। तो अगर इतना मामला हो गया तो इतने मामले से आप समझ सकते हो कि माइनस से दिख रहा है आपको, बड़ा साइज कर दिया मैंने, दिख रहा है ना? यस सर। चलो यस सर। ओके, तो अगर इतना दिख रहा है तो बस मजा आ जाएगा। अभी देखो ये जीरो हो गया और एच से एच का अंतिम संस्कार हो गया, चलो एच से एच का अंतिम संस्कार हो गया, माइनस से माइनस का हो गया, अब मेरे पास क्या बचा, साइन इन्फिनिटी बचा सिर्फ, राइट? और साइन इन्फिनिटी क्या होता है, माइनस वन से लेके वन होता है। अब ये क्या बता रहा है, ये तो ऑसिलेटरी बता रहा है, क्या हो गया ये ऑसिलेटरी हो गया, और ऑसिलेटरी हो गया इसका मतलब क्या हो गया, नॉट डिफाइंड हो गया। क्लियर है सबको? यस। ठीक है, अगर ये क्लियर है तो मैं ऐसा ही एक क्वेश्चन और रख दे रहा हूँ, एक्स स्क्वायर। अब बताओ क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा कि डिफरेंशिएबल है? कॉन्टिन्यूस भी है, डिफरेंशिएबल है। अच्छा, क्या ये बात सबको क्लियर है कि कॉन्टिन्यूस भी और डिफरेंशिएबल, क्यों? याद करो अभी अभी हमने एक्स स्क्वायर को लेके क्वेश्चन लिखा था, माइनस प्लस वहां पे कोई इंपैक्ट नहीं डाल पा रहे, याद है बच्चों? नहीं याद है? यस। अरे जो नहीं समझ पा रहे हैं वो लोग देखो, कंटिन्यूटी दैट इज एक्स इक्वल टू जीरो, सीधा सीधा फंक्शन प्लेस करेंगे, ये बात आपको मालूम है। तो लिमिट दैट इज एक्स टेंड्स टू जीरो दैट इज एक्स स्क्वायर साइन ऑफ वन अपॉन एक्स है, तो जैसे ही आपने लिमिट रखी होगी ये हो गया होगा आपका जीरो का स्क्वायर इंटू साइन, ये हो गया होगा आपका इन्फिनिटी, आपको मालूम है जीरो माइनस वन से वन हो गया होगा और इस पर ये जीरो हो गया होगा, इक्वल टू पे जीरो है ही, लेफ्ट राइट पे जीरो आ गया, इसका मतलब कॉन्टिन्यूस तो है। बात है डिफरेंसिबिलिटी की सिर्फ, डिफरेंसिबिलिटी जब मैं चेक करने जा रहा हूँ किस पर, एक्स इक्वल टू जीरो पर, एक्स इक्वल टू जीरो पर जब मैं डिफरेंसिबिलिटी चेक करने जा रहा हूँ तो मैं लेफ्ट और राइट निकालूंगा, तो एफ डैश दैट इज जीरो माइनस पर चेक किया मैंने तो लिमिट। अब आप समझदार हो गए हो तो मैं सीधा प्लेस कर रहा हूँ इस बार, जीरो माइनस एच का होल स्क्वायर दैट इज साइन ऑफ वन अपॉन जीरो माइनस एच, राइट? माइनस ये कितना लिखूं? जीरो। ये बात क्लियर है आप लोगों को? शाबाश। तो अल्टीमेटली व्हाट आई कैन से, ये स्क्वायर हो गया, ये आपका बचा लिमिट दैट इज एच टेंड्स टू जीरो दैट इज एच साइन, और ये आपका क्या हो गया, इन्फिनिटी हो गया, और अपॉन में क्या पड़ा हुआ है, एच पड़ा हुआ है माइनस का, राइट? माइनस का एच है ना बेटा, इस माइनस के एच के साथ क्या करें, एक एच से एक एच का अंतिम संस्कार कर दें। अब तो चाहे कुछ भी हो, अब तो चाहे कुछ भी हो, ये अल्टीमेटली यही दिखेगा,
और यही दिखेगा तो ये जीरो दिखेगा। अच्छा ठीक है सर, अगर एफ डैश जीरो प्लस होता तो क्या होता सर? मैंने रख के देख लेते हैं, अभी आपको पता चल जाएगा। स्क्वायर है ये ऑलरेडी, क्या है स्क्वायर है। देखो मैं सीधा स्टेप चल रहा हूँ, मैं सीधा आपको स्टेप दर्शन करा रहा हूँ। ये आपका आ जाएगा साइन स्क्वायर एच स्क्वायर, और ये आपका आ जाएगा वन अपॉन एच, और ये माइनस जीरो, और ये अपॉन में पॉजिटिव एच। ये वाली पार्टी आपकी इन्फिनिटी जाएगी, इन्फिनिटी जाएगी मतलब माइनस वन से वन जाएगी, और माइनस वन से वन जाने का मतलब वापस से माइनस वन से वन और वापस से जीरो। इसका मतलब क्या हो गया? डिफरेंशियबल हो गया कहां पर? एट एक्स इक्वल टू जीरो पर। क्लियर है ये बात? Yes. अच्छा मैंने यार देखा कि पहला क्वेश्चन मेरा ये था जिसमें एक्स इंटू साइन वन अपॉन एक्स, तो ये कुछ निकला है नॉट कंटिन्यूस निकला लेकिन नॉट डिफरेंशियबल निकला। ये एक्स स्क्वायर आया, और एक्स स्क्वायर में मैंने देखा यार ये कंटिन्यूस है और ये डिफरेंशियबल निकला। लेकिन मैंने एक नोटिस करने वाली बात ये देखी कि यार इस क्वेश्चन में भी ये वाली पार्टी नॉट डिफाइंड थी, मतलब इन्फिनिटी दे रही थी। पिछले वाले में यानी कि हम कह सकते हैं लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट वाली पार्टी होती है ना, ये याद है आप लोगों को? तो इस क्वेश्चन में भी लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट वाली पार्टी थी, इस क्वेश्चन में भी ये लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट वाली पार्टी थी, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट दोनों जगह यही पार्टी थी। तो क्या सर कुछ ऐसी गड़बड़ तो नहीं है कि कहीं पर फंक्शन में लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट वाली चीजें आ जाती हैं तो कॉन्टिन्यूस हो जाता है और डिफरेंसिबिलिटी और नॉन डिफरेंसिबिलिटी पे चेक करना पड़ता है, क्या ऐसा आपके माइंड में आ रहा है? Yes, आ रहा है? अच्छा किस किस के आ रहा है? रेज योर हैंड, हैंड रेज करो। सर ने क्या चीज पूछी? मैंने कहा कि दोनों ही क्वेश्चन में, दोनों के दोनों क्वेश्चन में एक चीज कॉमन निकली, और वो ये निकली कि जो एक्स के साथ दूसरा वाला फंक्शन था वो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट वाला फंक्शन था, राइट? Yes. तो क्या माइंड में ऐसा कुछ आ सकता है आपके कि जो दूसरा फंक्शन होगा जब जब लिमिट डज नॉट वाला होगा, डज नॉट एग्जिस्ट वाला होगा, कॉन्टिन्यूस तो होगा ही होगा, डिफरेंसिबिलिटी पे सोचना पड़ेगा, क्या आपके माइंड में ऐसा आ रहा है? बस एक बच्चे के माइंड में आ रहा है सर। सिर्फ एक बच्चे आपके नहीं आ रहा? कौन सक्षम आपके माइंड में क्या आ रहा है? आ रहा है। चलो एक काम करते हैं मैंने आपके माइंड में ना एक डाउट डाल के छोड़ दिया आज। किस चीज का? कि एक्स के साथ वाला फंक्शन लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट वाला होगा तब तब ऐसा होगा, लेकिन मैंने क्या कहा कि मैंने डाउट डाल के छोड़ा है। सही बात ये नहीं है, सही बात ये नहीं है। अब आपको मुझे अगली क्लास में ये बताना है तो सर सही बात क्या है? सर वैसे अगर हम इसका ग्राफ देखें फंक्शन का, दोनों का ही जो पहले बनाया इसका बनाया, तो सर उससे हर चीज क्लियर हो जाएगी। जो पहला वाला है जिसमें ओनली एक्स है वो हमेशा रिपीट करता है, फ्लैट नहीं होगा, इसलिए वो डिफरेंशिएबल एट जीरो नहीं है, और ये फ्लैट कर जाता है जीरो पे। अगर पावर क्यूब हो जाए तो उसमें भी जीरो देगा क्योंकि वन पे जीरो है। पावर फोर हो जाए तो अच्छा एक बात बताओ। चलो ये तो है, मैंने क्वेश्चन में थोड़ा ये कर दिया कि एक्स की जगह एक्स माइनस ई कर दिया, और दोनों जगह पर x माइनस ई इंटू साइन वन अपॉन एक्स माइनस ई। अब क्या होगा? अब ग्राफ बना लोगे? बना लोगे? तो फर्स्ट वाला x है वो सेम ही है। हाँ x की जगह पर जो बाकी सब कुछ सेम है, x की जगह पर x माइनस ई हो गया, और फंक्शन x माइनस ई इंटू साइन वन अपॉन एक्स माइनस ई, वेयर x नॉट इक्वल टू ई और x इक्वल टू ई। ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं? हाँ ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ेगा, ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन। राइट हैंड साइड शिफ्ट हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। कितना शिफ्ट हो जाएगा? ई।
ईस यानी 2.732 समथिंग शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, अब काम की बात सुनो, काम की बात सुनो। मैं आपके माइंड में एक काम करता हूं, मैं काम की बात चाहूं तो अभी भी बता सकता हूं बिल्कुल, लेकिन आप लोग अपने दिमाग पे बिल्कुल जोर नहीं दोगे, मैं चाहता हूं आप लोग जोर दो। मैं वापस से बोल रहा हूं कि x की पावर 1 थी इंटू साइन 1 अपॉन x था, x की पावर स्क्वायर थी साइन इंटू 1 अपॉन x था। जब x की पावर 1 थी तो वो कॉन्टिन्यूस था, नॉन डिफरेंशियबल था। जब x की पावर 2 थी तो वो कॉन्टिन्यूस था, डिफरेंशियबल था। x की पावर क्यूब होगी तो क्या होगा, इस पर आप सोचो और सोच के मुझे बताना क्या लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट मैटर करता है या इस क्वेश्चन में कुछ और मैटर कर रहा है जिसके बेसिस पे सारी चीजें होनी है, राइट? ये आपका होमवर्क है सारे बच्चों का, सिर्फ और सिर्फ इकलौता इतना होमवर्क है इस क्वेश्चन के बारे में सोचना, उसके अलावा कोई भी होमवर्क नहीं है, राइट बच्चों? मैं वापस से बोल रहा हूं, आईआईटी का क्वेश्चन है और आईआईटी अगर कोई क्वेश्चन पूछती है तो हम जैसे लोग ताक में बैठे रहते हैं कि उसकी कॉपी बनाए, हम इसी ताक में बैठे रहते हैं। तो आईआईटी ने कई साल पहले ऐसा क्वेश्चन दिया और हमने उसकी मल्टीपल कॉपी बना डाली, राइट? तो उस पर करेंगे डिस्कस, लेकिन उससे पहले आप लोग सोच के आओगे कि क्या हो सकता है सर इस पर। क्लियर है? चलिए बच्चा बाटी, चलिए गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, मिलते हैं कल सेम टाइम सेम जगह, ठीक है? गुड नाइट सर। गुड नाइट, गुड नाइट। करना जरूर, सोचना जरूर सब लोग।